Hello student, how are you? I hope you all are doing well. Okay student, today we will do exercise 5.4. Okay beta, आज हम exercise 5.4 करेंगे जिसमें आज हम सीखेंगे before number, between number and after number. Okay? बेटा बिफोर नंबर बिटवीन नंबर और आफ्टर नंबर करने से पहले आपको यहाँ पे अच्छे से देख ओके सबसे पहले हम आफ्टर नंबर सीखेंगे ओके स्टूडेंट आफ्टर मींस होता है बाद वाले नंबर ओके तो सेवन के नीचे क्या होता है सेवन के बाद क्या आता है एट सिक्स सिक्स आफ्टर सिक्स के नीचे क्या होता है सेवन आपको काउंटिंग बनती है ना सिक्स के नीचे क्या होता है सेवन अब जैसे यहाँ पे ये दो डिजिट के नंबर आ गए ओके ये दो डिजिट के नंबर हैं 38 सेवन के आफ्टर तो एट होता है हमने लिख दिया सिक्स के आफ्टर सेवन होता है तो हमने लिख दिया अब यहाँ पर 38 है ओके तो हम इस कैसे करेंगे तो ये थ्री है थ्री का यहाँ पे ये सेम रहेगा थ्री का थ्री आएगा एट के नीचे क्या आता है नाइन ओके 39 थ्री का थ्री सेम रहेगा एट के आफ्टर क्या आता है नाइन ओके तो ये बन गया 39 ऐसे यहाँ पे 4646 लिखा है ठीक है 4646 फोर का फोर सेम आएगा और सिक्स के नीचे क्या आता है सिक्स आफ्टर सेवन तो ये बन गया 47 ओके नेक्स्ट जैसे यहाँ पे 62 लिखा हुआ है ओके 62 सिक्स का सिक्स सेम आएगा ओके सिक्स का सिक्स सेम आएगा और टू के नीचे क्या आता है टू आफ्टर क्या आता है थ्री तो ये बन गया 63 ओके बेटा ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हुई अगर हम आफ्टर नंबर करते हैं 39 है तो 39 आफ्टर क्या आएगा 39 वो 39 कैसे आया थ्री का थ्री सेम आया और एट आफ्टर क्या होता है नाइन ओके ये हुए आफ्टर नंबर नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है 29 39 49 69 ओके बेटा जितने भी नंबर जो है नाइन पे एंड होते हैं ठीक है जैसे यहाँ पे 29 लिखा है 39 लिखा है जितने भी नंबर नाइन पे एंड हो रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं उनमें हम दोनों नंबर्स को चेंज कर देते हैं दोनों नंबर्स को क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं कैसे चेंज करते हैं ओके नाइन का क्या बन जाएगा ज़ीरो ओके थ्री के नीचे क्या आता है सॉरी टू के नीचे क्या आता है थ्री 29 आफ्टर 30 नाइन का क्या बना दिया हमने ज़ीरो टू के नीचे क्या आता है टू आफ्टर क्या आता है थ्री 29 आफ्टर 30 ऐसे यहाँ पे 39 लिखा हुआ है ओके 39 नाइन को हम क्या बना देंगे ज़ीरो ओके और थ्री के नीचे क्या आता है थ्री आफ्टर क्या आता है फोर तो बन गया 40 अब जैसे यहाँ पे 49 लिखा हुआ है नाइन का बन गया ज़ीरो और फोर आफ्टर क्या आता है फाइव क्या बन गया यहाँ पे 50 ऐसे ही 69 लिखा हुआ है नाइन का क्या बना दिया हमने ज़ीरो और सिक्स आफ्टर सिक्स के बाद क्या आता है सिक्स के नीचे क्या आता है सेवन तो बन गया 70 ऐसे ही यहाँ पे ये जो 79 लिखा हुआ है तो नाइन का हम क्या बन गया ज़ीरो ओके सेवन आफ्टर सेवन के बाद क्या आता है 80 ओके स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका जैसे जो नंबर नाइन पे फिनिश होते हैं उसमें दोनों नंबर चेंज हो जाते हैं जैसे यहाँ पे 29 लिखा हुआ है नाइन का हमने बना दिया ज़ीरो और टू आफ्टर क्या आता है थ्री ओके स्टूडेंट ओके नेक्स्ट इज बिटवीन नंबर
बिटवीन नंबर जैसे हमने कि आफ्टर नंबर किए हैं वैसे ही होते हैं सेम, इसके बीच के नंबर को हम बिटवीन नंबर कहते हैं। ओके, जैसे सेवन है, यहाँ पे सेवन लिखा हुआ है, सेवन आफ्टर मतलब सेवन के नीचे क्या आता है, एट, तो हमने यहाँ पे एट लिखा तो हम इसको काउंट करके देख सकते हैं सेवन एट नाइन। ओके, ऐसे थ्री आफ्टर, थ्री के नीचे क्या आता है फोर, तो हमने यहाँ पे फोर लिख दिया थ्री फोर फाइव, इसको काउंट करके हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फोर लिखा है फोर आफ्टर फाइव, फोर फाइव सिक्स, अब एट लिखा है एट आफ्टर, एट के नीचे क्या आता है नाइन, एट नाइन टेन। ओके बेटे, अब यहाँ पे ट्वेंटी नाइन लिखा है, ओके यहाँ पे ट्वेंटी नाइन लिखा है, बीच में ब्लैंक है और ये थर्टी वन लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है नाइन है, नाइन किस में चेंज होगा, नाइन किस में चेंज होगा जीरो में। ओके, और टू के नीचे क्या आता है, टू आफ्टर थ्री थर्टी, ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन। ओके, नाइन का क्या बन गया जीरो, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया, टू के नीचे, टू के नीचे क्या आता है थ्री, तो हमने यहाँ पे थर्टी लिख दिया ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज बिफोर नंबर। ओके बेटा, आप ये याद रखिए बिफोर नंबर हमेशा लेफ्ट साइड के साइड में लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड में बिफोर नंबर हमेशा लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे 29 लिखा है, 29 लिखा है, ओके टू का हम टू यहाँ पे सेम लिखेंगे, और 9 के ऊपर क्या आता है, मतलब 9 से पहले क्या आता है 8। ओके, जैसे यहाँ पे 38 लिखा हुआ है, ओके यहाँ पे 38 लिखा है, 3 का 3 हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, और 8 के ऊपर क्या आता है, 8 से पहले क्या आता है 7, तो यहाँ पे क्या बन गया 37। ये सेम रहेंगे और पीछे वाला ये चेंज हो जाएगा, ये नंबर चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 71 लिखा हुआ है, 71 लिखा है, और 1 से पहले क्या आता है, 1 से पहले क्या आता है ज़ीरो। काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, 0 1 2 3 4, तो 1 से पहले क्या आता है ज़ीरो। ओके, 7 का 7, तो ये बन गया 71 बिफोर 70। ओके, जैसे यहाँ पे 9 लिखा है, 9 का 9 यहाँ पे सेम रहेगा, और 4 के ऊपर पहले क्या आता है 4 बिफोर क्या आता है 3, तो ये 93 बन गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ओके, व्हाट कम्स बिफोर द गिवन नंबर राइट देम। ठीक है, बिफोर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया, बिफोर नंबर हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ लिखे जाते हैं, और जैसे कि यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, ओके 29, यहाँ पे 2 है, 2 का यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और 9 के ऊपर क्या आता है, 9 से पहले क्या आता है 8 आता है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। ओके, 29 बिफोर 28। नेक्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है 38, 3 का 3 हम सेम लिखेंगे, 3 का 3 हमने सेम लिख दिया, और 8 से पहले 8 के ऊपर क्या आता है 7, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। ओके, नेक्स्ट लिखा है 44। ओके, ये वाला 4 हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, और 4 बिफोर क्या आता है, 4 से पहले क्या आता है 3, तो यहाँ पे क्या बन गया 43। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 57, 5 का 5 हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, 7 के ऊपर क्या आता है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 71, 1 बिफोर 1 से पहले क्या आता है 0, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, 7 का 7। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 94, 9 का 9 हम सेम लिखेंगे, और 4 बिफोर 4 के पहले क्या आता है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, बन गया 93। ओके स्टूडेंट,
ये आपका बिफोर नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, आपको डू इट योर सेल्फ करना है इसको, ओके? नेक्स्ट है बिटवीन नंबर। बिटवीन नंबर जैसे यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे 51 कैसे आया? ज़ीरो से पहले क्या होता है, सॉरी ज़ीरो के बाद क्या आता है? वन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वन, फाइव का फाइव बन गया 51। तो फिर हम इसको काउंट कर लेंगे 50, 51, 52, ओके? नेक्स्ट है 61, 61, वन के बाद क्या आता है? टू। तो हम यहाँ पे टू लिखेंगे, सिक्स का सिक्स ये ऐसे ही रहेगा तो बन गया 62। तो इसको हम काउंट करके देख सकते हैं 61, 62, 63। जैसा कि यहाँ पे 73 लिखा हुआ है, 73, सेवन का सेवन सेम रहेगा, थ्री के बाद क्या आता है? थ्री बिफोर क्या आता है? फोर आता है। तो हम यहाँ पे फोर लिखेंगे तो बन गया 74, ओके? नेक्स्ट है 82, एट का एट सेम लिखेंगे, टू आफ्टर क्या आता है? थ्री, बन गया 83, 82, 83, 84। यहाँ पे 82 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने 83 लिखा है, 83 कैसे लिखा? टू आफ्टर क्या आता है? थ्री, एट का एट हम सेम लिखेंगे तो वो बन गया 83। तो हम इसको काउंट करेंगे 82, 83, 84। तो ये आपको अपने आप से करना है, ओके स्टूडेंट? नेक्स्ट आफ्टर नंबर आ गया, जैसा कि मैंने पहले ही सिखाई हूँ, मैंने आपको वीडियो में पहले ही आपको क्लियर कर दिया है। जैसे यहाँ पे 18 लिखा है, ओके? वन का वन यहाँ पे सेम आएगा, एट आफ्टर क्या होता है? नाइन, एट के बाद क्या आता है? नाइन। तो हमने यहाँ पे नाइन लिख दिया, 18 आफ्टर 9। नेक्स्ट यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, टू का टू यहाँ पे सेम रहेगा, सेवन आफ्टर क्या आता है? एट। तो यहाँ पे क्या आ गया? 28। नेक्स्ट 35 लिखा हुआ है, थ्री का थ्री हम सेम लिखेंगे, फाइव आफ्टर सिक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया? 36। यहाँ पे 41 लिखा हुआ है, फोर का फोर यहाँ पे हम सेम लिखेंगे, वन आफ्टर टू, तो बन गया 42, ओके? नेक्स्ट 55, फाइव का फाइव हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, सिक्स आफ्टर, फाइव का फाइव हम सेम लिखेंगे, फाइव आफ्टर क्या आएगा? सिक्स। ये वाला फाइव हमने यहाँ पे सेम लिखा और फाइव आफ्टर क्या आता है? सिक्स, 56। आगे 94 लिखा हुआ है, नाइन का नाइन ये हमने सेम लिखा, फोर आफ्टर क्या होता है? फोर के बाद क्या आता है? फाइव, तो 95, ओके स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट, ये जो है ये आपको अपने आप से करना है, ये आपका होमवर्क है। बहुत ही सुंदर राइटिंग में आपको होमवर्क कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर एंड आफ्टर नंबर, ओके स्टूडेंट? नाउ टाइम टू से बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।